की वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है कि किम कहियंग वी की आइडियल टाइप पार्ट 3 बनाया जाए। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने रिक्वेस्ट किया और वो कंप्लीट ना हो? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किम कहियंग की आइडियल टाइप। जो चीज़ें मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में नहीं बताया है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आर्मीज, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वी की आइडियल टाइप, सो आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, या इससे पहले देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आर्मीज, एज यू नो कि रिसेंटली BTS ने इंडिया में इंटरव्यू दिया है। सो उस इंटरव्यू में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनकी आइडियल टाइप गर्ल या उनकी डेटिंग के बारे में या उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पूछा गया, बट यस, जो BTS मेंबर के फेस पे हैप्पीनेस था और जो वी के स्पेशली फेस पे हैप्पीनेस था, एंड जैसे वो शर्मा रहे थे, तो बॉडी लैंग्वेज से भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि इंडिया से पहले जो BTS ने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने अपने आइडियल टाइप के बारे में क्या बताया है, क्या क्या क्वालिटीज़ बताई है जो 1 एंड पार्ट 2 में कवर नहीं कर पाई। तो आर्मीज, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किम कहियंग ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं और कैसी कैसी चीज़ें वो चाहते हैं कि उनकी आइडियल टाइप गर्ल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग जो वी ने बताया है अपने इंटरव्यू में, उन्होंने बोला है कि उनकी जो आइडियल टाइप गर्ल होनी चाहिए वो काइंड होनी चाहिए एंड फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होनी चाहिए, एंड वो चाहते हैं कि उनकी आइडियल टाइप गर्ल वी से बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, एंड जो उनकी आइडियल टाइप गर्ल है उनका बिहेवियर बाकी लोगों के प्रति भी बहुत अच्छा हो। सो गर्ल, जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि क्या किम कहियंग एक इंडियन गर्ल से शादी करना प्रेफर करेंगे, मुझे पता है कि जितनी भी हमारी आर्मीज हैं उन्होंने किम कहियंग की BTS की जितनी भी इंटरव्यू होगी सभी इंटरव्यू देखा ही होगा। तो आपने उन सब इंटरव्यूज़ में एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे वी थे, जितने भी इंटरव्यू हुए उनमें उनका एक्सप्रेशन कैसा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, एंड हमने ज़्यादातर इंटरव्यू में ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि वी अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बोर भी फील करते हुए दिखाई दिए। बट जो अभी उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है इंडिया में, एंड जिस तरह से ही वॉज स्माइलिंग एंड ही वॉज ब्लशिंग, तो ये दिखाता है कि उनको इंडियन गर्ल अच्छी लगती है। उनकी जो ब्लशिंग थी वो दिखा रहा था कि अकॉर्डिंग टू वी इंडियन गर्ल इज़ ब्यूटिफुल। सो आर्मीज, अगर आप वी की लाइफ में जाना चाहती है तो आपको उनकी लैंग्वेज में बात करना आना चाहिए। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि वी ने बोला है कि उनकी आइडियल टाइप गर्ल को कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। एज यू नो कि वी को इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं आती है, सो कम्युनिकेशन के लिए वो चाहते हैं कि उनकी जो कोरियन लैंग्वेज है तो उनकी आइडियल टाइप इस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। सो अगर आप वी की लाइफ में जाना चाहती है तो आप कोरियन लैंग्वेज सीख लीजिए। सो गर्ल्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि एक बार वी ने बोला था कि वो चाहते हैं जब वो फादर बने एंड जब उनके बेबी हो, जो उनके बच्चे हो, तो उनके बेबी अदर BTS मेंबर्स के बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करे। तो गर्ल्स, अब आप सुन लीजिए कि किम कहियंग को कैसी बेबीज चाहिए। वो बहुत वेल बिहेवियर होने चाहिए, एंड यस मस्ट, वो अपने BTS मेंबर के सभी बच्चों के साथ, बेबीज के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। एंड यस, उन्होंने बोला कि जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं अपने BTS मेंबर के साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ, हम लोगों का जैसा बाउंडिंग है, हम जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हो वो भी ऐसा ही हो, उन लोगों के साथ उनकी बाउंडिंग अदर BTS मेंबर्स के बच्चों के साथ बहुत अच्छी हो और उनको वो एक दूसरे को सपोर्ट करे। एंड यस, उसके साथ साथ वी ने ये भी बताया कि इन फ्यूचर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्दी से हो एंड उसकी स्वीट सी फैमिली हो, अच्छे से फैमिली हो। सो आर्मीज, बी प्रिपेयर्ड, एंड हम, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकूँ और मैं इंजॉय कर सकूँ। एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो उनकी आइडियल टाइप गर्ल है
उनकी सोच भी ऐसी ही हो, लाइक घूमना फिरना उनको अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर जब उनकी फैमिली बने एंड वो अपनी आइडियल टाइप गर्ल को बोले कि मुझे यहाँ घूमने जाना है तो वो आना कानी कर रहे, तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं मैं ऐसी ही गर्ल चाहता हूँ जो कि मेरे साथ साथ अदर BTS मेंबर्स के BTS ग्रुप के मेंबर्स के साथ भी उनकी अच्छी बाउंडिंग हो। सो आर्मी, अच्छे से बाउंडिंग बना लोगे ना आप लोग? अगर आप BTS मेंबर्स के वी की लाइफ में जाना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए। एंड अभी के लिए इतना ही। सो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।